हाय, आई एम त्यागराज और मैं आपसे बात कर रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम पर। बिग बॉस के घर में हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल होती है। मेरी जर्नी थी, सफ़र था, वो बड़ा ही मज़ेदार था। इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड। टीनेजर करके पुकारते थे वहाँ पर, तो वो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। एविक्शन तो कोई एक्सपेक्ट तो करता ही नहीं है, मुझे भी नहीं लगा था। सो त्यागराज जी, हाउ वॉज योर जर्नी इन बिग बॉस मराठी हाउस? बिग बॉस मराठी के घर में जो भी मेरी जर्नी थी, सफ़र था, वो बड़ा ही मज़ेदार था, बड़ा ही मनोरंजक था और एक अलग सा अनुभव मुझे मिला वहाँ पे रह के, क्योंकि इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड, काइंड ऑफ टोटली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे ना तो अखबार है, मतलब ना न्यूज़पेपर है, ना घड़ी है, ना कैलेंडर है, ना मोबाइल है, ना रेडियो है, ना टीवी है, ना पेन है, ना पेपर है, ना किताब है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस होता है वो उस तरह से रहने का, और वो मैं हमेशा के लिए मेरी यादों में वो घर रहेगा। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर न्यू लुक, लाइक इज इट एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ बिग बॉस मराठी? तो ये जो मेरा लुक है, तो पहले से मुझे इस तरह से रहना और ये पसंद है, लेकिन जब महेश जी ने बिग बॉस के घर में मेरी तारीफ़ की और मुझे त्यागराज की बजाय स्वैगराज का टैग दे दिया, और वो मुझे हमेशा टीनेजर करके पुकारते थे वहाँ पर, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। और इस तरह से, मतलब ये जो मेरा लुक है, उसको और भी एनकरेजमेंट भी मिला, तारीफ भी मिली और बढ़ावा भी मिला, तो मैं अब मैं ये लुक कैरी करूँगा जब तक मुझे ये सूट करता है। डिड यू एक्सपेक्ट योर एविक्शन सो अर्ली? बिल्कुल नहीं, मतलब एविक्शन तो कोई एक्सपेक्ट तो करता ही नहीं है, मुझे भी नहीं लगा था, क्योंकि मैं ये समझता था कि मैं अच्छी तरह से खेल रहा हूँ, मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, मैं टास्क भी बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ, लेकिन बिग बॉस के घर में हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल होती है और उसी का मज़ा है। So what was your mistake because of which you got evicted, you feel? मैं एलिमिनेट हुआ तो उसकी वजह शायद ये है कि मैं हर एक से दोस्ती करना चाहता था, हर एक की गुड बुक्स में जाना चाहता था, तो ये शायद उन लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि ये ट्राई तो कर रहा है कि सबके साथ दोस्ती करने का, लेकिन ये दोस्त है किसी का भी नहीं, तो ये उनकी गलत फहमी हो गई या फिर ये मेरी गलती हो गई। Were you trying to be two-faced? नहीं, मैंने किसी टीम का तो सोचा ही नहीं था, मैं इंडिविजुअल गेम खेलना चाहता था, क्योंकि ये तो अब मेरे मन पे था कि मैं कौन सी टीम में शामिल हो जाऊं, तो बगैर किसी टीम में शामिल होने से मैंने ये सोचा कि मैं हर एक इंडिविजुअल से अपनी दोस्ती कर लूं और कुछ अपना ही नया तरीका ढूंढ लूं, लेकिन वो कुछ सफल नहीं हुआ। So, if you would have got a chance to save someone, whom you would have saved while eviction? अगर किसी को सेव करने की मुझे पावर मिलती बिग बॉस की तरफ से, तो मैं अपने आप को ही सेव करता लेकिन वो तो गुंजाइश नहीं थी। अगर किसी दूसरे को सेव करना होता तो वहाँ पे ज़रूरत तो है नहीं किसी को, लेकिन फिर भी अगर करता तो थोड़ा मुश्किल ही है सवाल, क्योंकि सारे दुश्मन ही है वहाँ पे, तो मैं किसी को नहीं करता और अगर किसी को नॉमिनेट करना होता तो किसको करते? हर एक को करता, लेकिन अगर वो भी पावर होती मुझ में नॉमिनेट कर, अस्ताद को मैं जरूर करता। आपकी इमेज किसने खराब करने की कोशिश की बिग बॉस के घर में? शर्मिश था और अस्ताद ज्यादातर,